Welcome all, this is Himanshu Agrawal. I am here with the topic Later Mughals. We will talk about two later Mughals, Shah Jahan III, 1759-60, and Shah Alam II or Ali Gauhar, 1760-186. Okay. Here it is, Shah Jahan III, 1759-60. Okay, the period when Shah Jahan III reigned as Mughal Emperor was very short. We can say it. His period was very short, was very brief in the sense. Okay. Second point is, he was the son of Muhyi-us-Sunnat, who was the eldest son of Muhammad Kambaksh. Ye kiska beta tha? Ye beta tha Muhyi-us-Sunnat. अगर आपको बोला जाए कि शाह जहां थर्ड जो है वो किसका बेटा है, तो वो है मुहिय-उस-सुन्नत का बेटा था. और ये मुहिय-उस-सुन्नत जो थे वो एल्डेस्ट सन थे, सबसे बड़ा जो बेटा था मोहम्मद कामबख्श का. ठीक है, इतना आपको समझना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू जस्ट हैव टू यू नो टेक दिस थिंग्स इनटू योर कंसिडरेशन कि क्या क्या चीज़ें हैं, केवल एक जनरल आइडिया के लिए. थर्ड पॉइंट इज, He was placed on Mughal throne in 1759 पे ये बैठाया गया गद्दी पे. ठीक है, बाय वजीर कम किंग मेकर जो था उस टाइम का, या वजीर कह लो, इमादुल मुल्क. ठीक है, लेटर मराठा चीफ्स डिपोज्ड हिम, मराठास ने बाद में इसको हटा दिया. ये थी बात हमने की शाहजहां थर्ड की बात की. नाउ हम जो बात करेंगे वो शाह आलम सेकेंड और अली गौहर की बात करेंगे. ठीक है, अली गौहर की बात करने वाले हैं. फर्स्ट पॉइंट इज, आफ्टर डिपोजिंग शाहजहां थर्ड आपने ऊपर देखा कि कितना शॉर्ट टाइम के लिए वो किंग था. ठीक है, उसके बाद मराठा ने हटा दिया उसको. ठीक है, तो यहाँ पे शाह आलम सेकेंड अली गौहर का रेन चालू हुआ है. आप देखिए, फर्स्ट पॉइंट इज, आफ्टर डिपोजिंग शाहजहां थर्ड को हटाने के बाद सदाशिवराव भाऊ कौन है, मराठा है जिन्होंने हटाया था. ठीक है, सदाशिवराव भाऊ ओके प्लेस्ड अली गौहर द सन ऑफ आलमगीर सेकेंड एज द राइटफुल एम्परर. आप आलमगीर सेकेंड की भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है वो. शाहजहां थर्ड से पहले जो आया गया जो किंग है, ठीक है, वो आलमगीर सेकेंड था. तो आलमगीर सेकेंड का जो सन है वो है शाह आलम सेकेंड अली गौहर. ठीक है, उसको फिर सदाशिवराव बहू ने, मराठा जो थे उन्होंने फिर इसको राइटफुल एम्परर माना और गद्दी पे बैठा दिया. सेकेंड थिंग इज कि अली गौहर जो है उसने टाइटल लिया शाह आलम सेकेंड का, जिसको हम शाह आलम सेकेंड के नाम से भी जानते हैं. एक्चुअल मैं उसका नेम जो था वो अली गौहर था. ठीक है, थर्ड पॉइंट इज, देवर टू मेन बैटल्स, दो मुख्य लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं इसके टाइम पे. देवर टू मेन बैटल्स फॉट ड्यूरिंग हिज रेन, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 एंड द बैटल ऑफ बक्सार 1764. ठीक है, तो आप एक खुद देखिए कि दो जो इंपॉर्टेंट बैटल्स की डेट है दैट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, फर्स्ट इज पानीपत 1761, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 एंड द बैटल ऑफ बक्सर 1764. ये आपको ध्यान रखना है. कभी कभी जो मैच द फॉलोइंग्स में भी और कई ऑल्टरनेटिव्स में भी, एमसीक्यूज में भी ये पूछ लिया जाता है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट इन विच ईयर. ठीक है, तो आपको बताना है कि 1761 में, एंड द बैटल ऑफ बक्सार इज फॉट वाज फॉट इन विच ईयर, 1764. नेक्स्ट पॉइंट इज, इन द बैटल ऑफ पानीपत 1761 मराठा वर डिफीटेड बाय अब्दाली. ठीक है, 1761 की जो लड़ाई है वहाँ पे मराठास ने, ठीक है, मराठास को अब्दाली ने हरा दिया है. अब्दाली डिफीटेड द मराठास इन द बैटल ऑफ पानीपत. ठीक है, अब जब हरा दिया तब अब्दाली जो था, ठीक है, वो वापस लौटते समय उसने क्या किया कि शाह आलम सेकेंड को राइटफुल एम्परर माना. ठीक है, उसको एम्परर रहने दिया, राइटफुल एम्परर माना, एंड नजीबुद्दौला को मीरबख्शी अपॉइंट कर दिया. ठीक है, शाह आलम सेकेंड वॉज नॉट अलाउड टू एंटर दिल्ली. ये एक मेन चीज है कि शाह आलम को अलाउड नहीं किया गया दिल्ली के अंदर एंटर करने के लिए 12 साल तक. ठीक है, उस दौरान वो वनवास होता है, एक्साइल, ठीक है, आपने सुना होगा, उसमें रहा. ठीक है, एंड केम टू बी नोन एज द फ्यूजिटिव मुगल एम्परर. उसे फ्यूजिटिव मुगल एम्परर के नाम से जाना जाता है. आप अगर हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन पुटअप होता है, कुछ मेन पॉइंट्स हैं फ्यूजिटिव मुगल एम्परर, ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ बक्सर, तो ये सब चीज़ें अगर आप देखें तो किसी के भी
शासन में हुआ हो, बट आपको इनका पता होना चाहिए कि क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो अगर पूछे कि हु वॉज कॉल्ड द फ्यूजिटिव मुगल एम्परर इन द मुगल पीरियड, ठीक है, तो फिर आपका ये आंसर होगा कि शाह आलम सेकेंड और अली गौहर वॉज यू नो केम टू बी नोन एज फ्यूजिटिव मुगल एम्परर, ये आपको याद रखना है। और इसका जो अब देखिए सेवेंथ पॉइंट, इन द एबसेंस ऑफ शाह आलम की सेकेंड जो अली गौहर है उसकी एबसेंस में दिल्ली पे, ठीक है, रोहिल्ला लीडर नाजीबुद्दौला एंड हिज सन जबीता खान एंड ग्रैंडसन गुलाम कादिर ने एक एंटिसिपेट जो एक्सरसाइज किया है पावर्स को इन दिल्ली। दिल्ली में जब 12 साल तक उसको अलाउड नहीं किया गया है, तो उस दौरान जो रोहिल्ला लीडर था नाजीबुद्दौला एंड उसका सन जो था जबीता खान और ग्रैंडसन गुलाम कादिर, इन्होंने पावर अपनी एक्सरसाइज की है दिल्ली के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज 1764 पे आए हैं हम, तो शाह आलम सेकेंड वापस आया है और इसने हाथ मिलाया है किससे, मीर कासिम ऑफ बंगाल एंड शुजाउद्दौला ऑफ अवध। शुजाउद्दौला जो है अवध के थे, ठीक है, और मीर कासिम बंगाल से थे। इन दोनों के साथ शाह आलम सेकेंड ने 1764 में हाथ मिलाया जस्ट टू फाइट अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो बैटल ऑफ बक्सर जो थी वो इसी के अंदर हुई है। बैटल ऑफ बक्सर में हुआ क्या है कि इन तीनों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने का कोशिश किया है। आगे देखिए, इन 1765 मैं बड़ा उससे लाया हूँ ये चीजें कि ईयर वाइज ईयर आपको समझ में आए कि कौन सा सिक्वेंस रहा है, कब किसने क्या किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इन 1765 ही साइंड द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब देखिए कि जो शाह आलम सेकेंड है उसको क्या करना पड़ा After Battle of Buxar, he signed the Treaty of Allahabad with the British. इसने Treaty of Allahabad साइन की ब्रिटिश के साथ, ठीक है। और इस ट्रीटी के तहत जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद थी 1765, इसके तहत इसको मजबूर कर दिया गया, इसको फोर्स कर दिया गया कि दीवानी ऑफ बंगाल जो था, ठीक है, जो राइट्स होते हैं दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, इन तीनों को त्यागना पड़ा इसको ब्रिटिश को, ठीक है, ब्रिटिश को देना पड़ा एंड हिमसेल्फ और अपने आप को एक इलाहाबाद फोर्ट में नेक्स्ट 6 इयर्स के लिए एज अ वर्चुअल प्रिजनर ऑफ द इंग्लिश का मतलब ब्रिटिशर्स, उनके एक वर्चुअल प्रिजनर के तौर पे अगले 6 साल के लिए इलाहाबाद फोर्ट में रहना पड़ा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु वॉज द वर्चुअल प्रिजनर ऑफ द इंग्लिश इन द मुगल पीरियड। तो आप कहेंगे शाह आलम सेकेंड और अली गौहर जो था, ठीक है, उसको आफ्टर यू नो गेटिंग अ डिफीट इन बैटल ऑफ बक्सर हैव टू साइन द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, और उसको इस ट्रीटी के तहत जो दीवानी राइट्स हैं वो गंवाने पड़े बंगाल का, बिहार का एंड उड़ीसा का, और अगले 6 सालों के लिए इलाहाबाद फोर्ट में एज अ वर्चुअल प्रिजनर रहना पड़ा इंग्लिश लोगों के, ठीक है, या फिर इंग्लिश ब्रिटिशर्स का, ठीक है। अब आगे देखिए, दो पॉइंट हमने कवर कर लिए इसी में। आगे देखिए कि He was also forced to reside in the fort of Allahabad. ये मैं बता चुका हूँ, अगले 6 साल के लिए वर्चुअल प्रिजनर के तौर पर रहना पड़ा इंग्लिश के, ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन 1772, हम 1772 पे आ चुके हैं, ठीक है, आप देखिए कितना जल्दी चल रहा है और आप इसको वापस भी देख सकते हैं, ठीक है, इस 1772 में। और जो भी क्वेश्चन आंसर्स हों आपके वो आप कमेंट्स में पुट कीजिए, मैं उसको ट्राई करूंगा कि आंसर दे सकूं, ठीक है ना। 1772 में क्या हुआ है, ही वॉज अभी इसको वापस लाया गया है। रीइंस्टेटेड का मतलब होता है कि किसी चीज को वापस उसकी फॉर्मल थिंग्स में वापस ले आना, ठीक है, वो होता है फॉर्मल शेप में, फॉर्मल रूल में, ठीक है, उसे वापस ले आना जहां वो पहले था, उसको बोलते हैं रीइंस्टेट, द मीनिंग ऑफ द प्रॉपर वर्ड, ठीक है। तो यहां देखिए 1772 में मराठास वापस उभरे और महादजी शिंदे, ठीक है, जो है उन्होंने इसको शाह आलम सेकेंड को अली गौहर को वापस गद्दी पे बैठाया, ठीक है, मुगल थ्रोन पे बैठाया। आगे देखिए, शाह आलम गॉट सपोर्ट ऑफ द मराठास ड्यूरिंग 1772 to 1773। आप कहें कि ड्यूरिंग 1772 से 1773 तक शाह आलम सपोर्टेड बाय द मराठाओं की मदद लेके इन्होंने एक एक्सपेडिशन लेड किया, ठीक है, लड़ाई लेड करी किसके अगेंस्ट, रोहिल्ला के अगेंस्ट, रोहिल्ला लीडर जबीता खान के अगेंस्ट, जबीता खान जो है उसके अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई जो है वो लड़ी, ठीक है, कह सकते हैं। और जबीता खान कौन था अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे, तो रोहिल्ला लीडर नाजीबुद्दौला का बेटा था, ठीक है।
और 1788 में हम कहें तो जबिता सन गुलाम कादिर डिपोस्ट शाह आलम एंड ब्लाइंडेड हिम। ठीक है, अब 1788 में आया है कि जबिता का जो बेटा है, जबिता जो उसका बेटा है गुलाम कादिर, उसने इसको हटा दिया दोबारा से। ठीक है, डिपोस्ट शाह आलम सेकंड एंड ब्लाइंडेड हिम, उसको अंधा कर दिया। ठीक है, हैंसफोर्थ एक और इसके नाम का टैग बन गया है, ब्लाइंड मुगल एम्परर। इसको बोला जाता है ब्लाइंड मुगल एम्परर बोला गया। अगर आपसे हिस्ट्री में कोई पूछे हु वॉज द ब्लाइंड एम्परर, हु वॉज कॉल्ड एज द ब्लाइंड एम्परर ऑफ मुगल एम्पायर, तो यू हैव टू आंसर दैट शाह आलम सेकेंड और अली गौहर वॉज कॉल्ड, ठीक है, अ ब्लाइंड एम्परर। ठीक है, बिकॉज जबिता सन डिपोज्ड हिम एंड ब्लाइंडेड हिम। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसी साल 1788 की बात हो रही है, उसी साल महाजी सिकंदिया जो थे उन्होंने इस दोबारा से इसको ढूंढ निकाला। ठीक है, खोज निकाला, हंटेड हिम डाउन। ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि वापस खोज निकाला। ठीक है, अब जब खोज निकाला तो उसको रिस्टोर कर दिया एज अ किंग। ठीक है, दोबारा से इसे गद्दी मिल गई। कितना लकी रहा है आप देखिए, उतना ही अनलकी रहा है, इसका एक्सप्लोइटेशन हुआ है आप कह सकते हैं। इसलिए इसका जो एक्सप्लोइटेशन हुआ है, पर्शियन लैंग्वेज में कभी कभी बोला जाता है कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली द पलम। ठीक है, ये कहावत बोली जाती है कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली द पलम, इसका मतलब भी बताऊंगा मैं आपको बाद में। आगे देखिए, इन 1803 में क्या हुआ है, दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड बाय द इंग्लिश। इंग्लिश जो है, ठीक है, उनके द्वारा 1803 में दिल्ली को फिर दोबारा कैप्चर कर लिया गया। एंड आफ्टर डिफीटिंग दौलत राव सिकंदिया, दौलत राव सिकंदिया को हराने के बाद एक बार फिर शाह आलम ने ब्रिटिशर्स की प्रोटेक्शन को स्वीकार कर लिया, उनके अधीन आ गया। ठीक है, जब उसने देखा कि कुछ तो हो नहीं रहा है, सब हार रहे हैं, तो उन्होंने फिर से वो जो है उनका शासन और कहें उनका एक्सेप्टेंस ले लिया। ठीक है, आगे देखिए, दिस शोज दैट शाह आलम सेकंड एंड हिज सक्सेसर्स वर जस्ट पपेट्स। ठीक है, ये दिखाता है कि शाह आलम सेकंड और उसके जितने भी सक्सेसर्स हैं वो सब जस्ट पपेट्स थे, या तो अपने खुद के नोबल्स के हाथ में, या मराठास के हाथ में, या ब्रिटिशर्स के हाथ में। क्योंकि आपने देखा है मराठा कुछ जगहों पर डोमिनेंट बने हैं, उन्होंने खुद मुगल एम्परर डिसाइड किया कौन बैठना चाहिए कौन नहीं बैठना चाहिए, तो इनका इन्फ्लुएंस भी बहुत रहा है, ब्रिटिशर्स का भी इन्फ्लुएंस बहुत रहा है, और अपने नोबल्स के द्वारा भी इनको काफी ज्यादा एक्सप्लॉइटेड हुए हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। ठीक है, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग ए वैल्यूबल सपोर्ट। आई एम ऑलवेज हेयर टू सपोर्ट यू गाइस, थैंक्स।